कल्याण के अडवली ढोकली परिसर के रहवासी पिछले कई सालों से पानी समस्या को लेकर जूझ रहे हैं। इसी पानी की समस्या को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने कल्याण मनपा कार्यालय पर मोर्चा निकाला, जिसमें परिसर के समाज सेवक राहुल पाटिल भी शामिल हुए थे। मोर्चे के अंत में कल्याण बाजार पेट पुलिस को मोर्चे में आए लोगों के गाड़ियों में हथियार होने की जानकारी मिली, जिसके चलते बाजार पेट पुलिस ने राहुल पाटिल की गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें पुलिस को एक एंटिक तलवार और एक डंडा मिला, जिससे पुलिस ने हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठे चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। वहीं इस बारे में महिलाओं ने मोर्चा पानी के लिए निकालने की बात कही, साथ ही एंटिक तलवार सभी के घर में रहने की बात करते हुए पुलिस जानबूझकर उनके परिवारों को निशाना बनाने की बात कह रही है। चंद्रा पंडित पाटिल, बताइए, आपके लड़के के गाड़ी में तलवार मिली थी, आप कौन से मोर्चे को आए थे, क्या पानी के लिए आए थे? हम लोग केडीएमसी में पानी का मोर्चा लेके आया था। हम लोग के गांव में थोड़ा भी पानी नहीं, आरोली में पानी के लिए आया था, तो गाड़ी बाहर खड़ी था, केडीएमसी में भी अंदर भी नहीं था, बाहर था, तो गाड़ी चेक किया हमारा, और दूसरा गाड़ी लेडीज का था वो भी चेक किया, वो भी पुलिस स्टेशन में लेके गया, और हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था, वो गाड़ी में कुछ नहीं मिला, वो गाड़ी में कैंटिक किस मिला, तलवार बिलवार कुछ नहीं है, वो बच्चा भी खेल सकता है उसके साथ। अभी आपकी क्या मांगे कि क्यों ऐसे मेरी क्यों कर रहे हैं, जो है वो कुछ तो कर रहा है, उसके पीछे उसको फंसाने का काम कर रहा है। तो अभी क्या मांगे आपकी? अभी मेरा मांगी है कि मेरा बच्चा सच्चा है, इसके लिए गांव को लेके आया था पानी के लिए, झगड़ने के लिए नहीं आया था, वही मांगे मेरा, न्याय चाहिए उसको, बहुत उसको फंसाने का प्रयत्न चालू है उसका, उसको तो मैं जवाब देगी, पुरावा के साथ देगी, वो छूटेगा नहीं।